पटना से है जिज्ञासा, कुछ शिव के शिष्य चलते चलते शिष्यता के रास्ते से ही गायब हो जाते हैं, क्यों? कोई बड़ी बात तो नहीं। जो पकड़ेगा ही नहीं वो छोड़ेगा क्या? कुछ शिव के शिष्य चलते चलते रास्ते से ही गायब हो जाते हैं, समझिए उसने पकड़ा ही नहीं है। और पकड़ा है तो किसी ऐसी चीज को पकड़ा है जो धरती से जुड़ी है। जैसे मैं मंच पर आऊं और लोग भी मंच पर आए हैं, अब बैठने वाले को लग रहा है कि हम कितना काबिल हैं कि 5000 आदमी हमको सुन रहे हैं। तो अब इस सम्मान को जो पकड़ेगा वो शिव की शिष्यता में नहीं टिकेगा। जो पैसे को पकड़ेगा वो शिव की शिष्यता में नहीं टिकेगा। कोई वर्चस्व कहता है, कोई कहता है कि है हम पटना के सबसे सीनियर शिव शिष्य, देखता है तुम लोग हमको, न टिकेंगे वो। यहाँ महादेव है, धरती का कोई आदमी हम लोग का गुरु नहीं है, शिव है। तो आने वाले जाने वाले तो जाते ही नहीं। चलिए जी, एक और जिज्ञासा है पटने से ही। शिव के अंश हम हैं, परंतु पूरा जीवन शरीर को ही मैं मानता है, यह मन अपने आत्मा से कब परिचित होगा? शिव के अंश तो हम हैं, बिल्कुल हैं, क्या नहीं है। कणकण में कहा जाता है, कणकण में परमात्मा रहते हैं। शिव के अंश हम हैं, लेकिन याद करिएगा हम मन भी नहीं है। जो शिव का अंश है, जिसकी ऊर्जा से शरीर भी चल रहा है, वो मन भी नहीं है। जैसे हम आप बोलते हैं मेरी चप्पल टूट गई है, इसका मतलब आप चप्पल है। लोग बोलते हैं ना मेरी चप्पल टूट गई है, मेरी कलम टूट गई है, आप कलम है। वैसे हम आप बोलते हैं कि आज हमको नहीं जाना है फ्रेजर रोड, हमारा मन नहीं है, अपन है। आप भी बोलते हैं कि मेरा मन नहीं है इस काम को करने का, तब मन है। हमारी चप्पल टूटी है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, तब गाड़ी है। आज मेरा मन नहीं है डाक बंगला जा चौक जाने का, अब मन है। भाई साहब आप कौन है? मन तो आप नहीं है, क्या आप ही कहते हैं कि मन मेरा नहीं है ये काम करने का? आप हैं कौन? इसी का पता तो नहीं चला कि कौन है हम आप, खुद को नहीं चला। अगर खुद का पता चल, आत्म दीपो भवा, अगर खुद का पता चल जाए ना कि कौन है हम आप, तो शिव का पता चल जाएगा। या शिव का पता चल जाए ना, ये पता चल जाएगा कि हम आप कौन हैं। वही हैं, शिव ही हैं। उसी का मेंटल प्रोजेक्शन है, उसी के मानसिक चिंतन का हम लोग प्रतिफल हैं, अंश तो हैं। और शरीर को अपना मानते हैं, शरीर और मन एक साथ चलता है। एक फोड़ा फुंसी हो जाएगी ना, एक फुंसी हो जाएगी ना और दर्द करेगी ना, मन आपका काम करना छोड़ देगा, वहीं लटका रहेगा, वहीं रुका रहेगा। शरीर और मन का समानांतरण चलता है और दोनों पर नियंत्रण उसी अंश का है जिसको आपने जिज्ञासा में कहा है शिव अंश है। वो मन भी नहीं है, उससे मन चालित जरूर है, मन नहीं है। वो कौन है पता नहीं, कौन है वो, क्योंकि हम लोग तो मन भी नहीं है। मन तो उसका एक हिस्सा है और मन की कोई व्याख्या नहीं है। ये विचारों को पैदा करने की अदृश्य मशीन है जो दिखती नहीं है, थॉट्स पैदा करती है, थॉट्स पैदा करती है। नेक्स्ट जी, जिज्ञासा है जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों? जिन्होंने पूछा है पहले बच्चों को स्कूल से हटाएं। वह पूछ रहे गुरु की आवश्यकता क्यों? अपने पढ़वे की लड़का को कॉलेज स्कूल में भेजबे के बलवा हटाई। जीवन में गुरु क्या शैक्षणिक ज्ञान देता है, इसलिए उसकी जरूरत है। और आप कौन है? इसके जो ज्ञान देता है वो गुरु है। आप कौन है? मैंने कहा ना कि आप मन नहीं है। आप कौन है? ये ज्ञान जो देता है वो गुरु है। दिस इज अध्यात्म, यही स्पिरिचुअलिज्म, यही अध्यात्म है। आत्मा का विज्ञान अध्यात्म है। आत्मा से जुड़ा हुआ भी ज्ञान अध्यात्म है। आत्मा परमात्मा एक ही सत्ता के दो नाम है। ऐसा नहीं है कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, एक ही सत्ता के दो नाम है, आत्मा कहिए परमात्मा कहिए, एक ही सत्ता के दो नाम है, दो शब्द अलग अलग है बस। जी शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है, कैसे? शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है, कैसे? आप आए हैं काहे के लिए? यहां कोई आकर्षण तो होगा कि आप यहां आए हैं, चुपचाप बैठे हैं, किस कारण से आए हैं आप? शिव ने ज्ञान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, और तब आपको वो शिव अच्छा लगने लगा, और तभी इसके मुगल कहते हैं, पुरानी बात याद आ रही है। बापू सभागार में आए हैं शिव चर्चा सुनने, काम तो है कि महादेव गुरु की जरूर वहां चर्चा होगी, उसको सुनेंगे। क्यों सुनने आए हैं आप? यहाँ तो कथा होती नहीं, यहाँ तो कोई गुरु है नहीं, सभी शिष्य हैं। यही ज्ञान आया है जो आप शिव गुरु की बात सुनने आए या करने आए। लेकिन याद रखिएगा, ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज होती है। ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है। देहातों में बबूल के कांटे जब पाँव में गड़ जाते हैं तो बगीचे में या खेतों में, तो बबूल के कांटे से ही बबूल के कांटे निकाले जाते हैं और दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। ज्ञान जरूरी है अज्ञानता को हटाने के लिए, लेकिन बाद में ज्ञान का भी कांटा फेंक दिया जाता है। वहाँ तो बस प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। और प्रेम में तो ऐसा ज्ञान है जो लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपनी चप्पल खोल कर कहीं बाहर रख दी होगी, वो जब यहाँ से जाएंगे तो चप्पल नहीं कहेगी हेगे दीदी हेगे हमेजा छिप ही नमरा, नहीं कहेगी। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी चप्पल कैसी है, एक यहाँ है तो दूसरी वहाँ है। चप्पल देख के आप पहचान जाइएगा कि मेरी चप्पल है। हजारों चप्पल में आपके घर नहीं कहते कि बउआ हिने चलाओ ये तहार घर हो, आप पहचानते हैं कि आपका घर कौन है। आपके पैसे नहीं बोलते, वो निर्जीव है कि कितने हैं आपके पॉकेट में, लेकिन आपको पता है कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं। आप क्यों? इसलिए उसको अपना समझते हैं, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा पेटा, मेरी चप्पल, मेरा जूता। किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। कहां ज्ञान दे रहा है? आपको सब ज्ञान है। जिस दिन समझ लीजिएगा कि महादेव मेरा है, महादेव के बारे में कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, आपकी ये समझ ही शिव के बारे में आपको ज्ञान देती चली जाएगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं। सीधे शिव से जुड़ने की कोशिश करिए, जीवन सुंदर हो जाएगा, समाज सुंदर हो जाएगा, संसार सुंदर हो जाएगा। कोशिश करिए। हम लोग अब 70 के हो गए, जाने वाले मुसाफिर हैं, लेकिन कह के जाते हैं शिव से जुड़ने की कोशिश करिएगा, उसको अपना गुरु बनाइएगा। गुरु ही शिव से मिलाते हैं, उनका काम ही यही है। तुम्ही से तुम्हारा पता पूछ लेंगे, महादेव से महादेव का पता पूछ लेंगे, अपने गुरु से ही शिव का पता पूछ लेंगे, वो बताएंगे, उनका काम ही यही है। अब हमको छुट्टी दीजिए, मैं तो मुख हूँ, बना दिया गया हूँ, और तिथि उथी नहीं है। और एक ऐसा दूठ हुआ है, एक तो है अहंकारी व्यक्ति को अहंकार की समझ नहीं है। क्यों? एक बात जान लीजिए, हर एक आदमी को अस्तित्व बोध होता है। हम जानवर को भी होता है, पेड़ों को भी होता है। हम ये सृष्टि की लीला, वही परमात्मा यूनिट माइंड में आया, इकाई में आया है तो कहता है हम। आदमी में ज्यादा हो गया, समझता ज्यादा है ये। तो इंसान में अस्तित्व बोध है। आप सामने शीशा रहेगा तो बाएं से घूम जाइएगा, गड़ेगा। जानवर भी घूमते हैं, वो भी बसते हैं। अस्तित्व बोध है। जब अस्तित्व बोध अपनी सीमाओं से ऊपर चला जाता है तब इसको कहते हैं अहंकार। अब अहम भाव आकार ले लिया। तो ये अहंकार सवाल क्या सर? जब अहंकार हो ही गया तो आपको तो समझ ही खत्म हो गई, तबे ना अहंकार हुआ। सांस, अच्छा एक बात बताइए, सांस आ रही है जा रही है, नहीं आवे तब? सांस आ रही है जा रही है, हम लोग का कोई प्रयास नहीं है उसमें, अन्य आवे तब। इतना ही में फूटा नहीं, आवाता जाता दूसरा जो मौन सा वही में फूटा नहीं। देखिए नहीं समझ रहा है, अहंकारी हो गया वो, तो कहां समझ आएगी उसको। और इसलिए कहा जाता है अहंकार परमात्मा का भोजन है। वो गाई होगा, हम मालिक हैं इस हॉल के, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप मालिक बनकर घूम रहे हैं, गड़बड़ी तो होगी होगी। वह परमात्मा मूल करता है, वही करता है, बाकी सब कर्म है। वह परमात्मा मूल करता है, हम लोग अपने को कर्ता पूज लेंगे। एक दिन तो जाना पड़ेगा, तो रोना पड़ेगा ही ना। तो अहंकारी को समझ कहां से आएगी? उसको समझ देनी पड़ती है। समझ परिवेश भी देता है, लोग भी देते हैं, काल भी देता है, समय भी देता है, गुरु तो देते ही देते हैं। लेकिन गुरु से सानिध्य रहेगा तब ना। नेक्स्ट जी, ये जिज्ञासा नहीं है, प्रार्थना है। पटना में और भी संगोष्ठी हो, इस अपेक्षा की स्वीकृति मिले। पूरी स्वीकृति है। देखिए हम धरती से जाने वाले लोग हैं, एक दिन पटना में एक ऐसा भी समय था जब मैं पटना कंट्रोल रूम में आया था बदल के बाहर से, तो पटना में एक भी शिवसे से नहीं थे 1988 में। अब ये स्थिति है, मैं चोरी से आता हूँ चोरी से जाता हूँ, साला चोर हो गए हैं। मेरी स्थिति बड़ी बुरी है, बकरा अपनी जाल में फंस गया है। मैं बिहार नहीं जा सकता, कोई कार्यक्रम नहीं करता हूँ, यूपी नहीं जा सकता, बंगाल नहीं जा सकता, झारखंड में भी नहीं जा सकता। मकड़ा अपने जाल में बैठ फंस बना के अपना ही जाल बना हुआ है मेरा। मैं फंस गया हूँ, रो रहा हूँ, कोई मेरा रोना मैंने सोचता नहीं कि साहब रो रहे हैं, आइए न मेरे आइए न मेरे। तेरी की गजब वाला भैया, तुम बुलाता हो हमको, आ नहीं सकते क्या? 70 साल में भी ससुरा सा हमको बुलाता। आऊंगा जरूर आऊंगा, लेकिन आप अनुशासित रहे तब ना। मैं उधर आके गलती से चला गया, तो थोड़ी देर के बाद आप लोग देखिएगा कि मैं मजदूर की तरफ बाहर आ रहा हूँ। कुर्ता नहीं है, आधा पैजामा है। भाई मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे आप मेरी बहन है, आप मेरे भाई हैं, आदमी की तरह बात करिए। कोई देर नोचेगा, कोई गोल नोचेगा, साला मैं जाता ही नहीं। एक बार जब वसीह जी जा रहे थे तो मुंशाजी में लिख कर जाके मैं जा रहा हूँ ट्रेन में, बाहर निकले भीड़ थी, हम कहा जाए देखिए ना मोटे तो हिले दिखे ना होंगे, पीठ पर महिलाओं ने देवमुख का ये है बने मुहा मैंने वहां जाए नहीं खेते थमने के सिपान मुंशारी में भोजपुरी बोली जाती है। एक बार टाटा में ही पिटा गया, रोक रहे थे, नहीं डब्बा में नहीं जाना, डब्बा में नहीं जाना। ट्रेन वहाँ 20 मिनट रुकती है, टर्ना में कुटा मस किया इनका सर। इनको भी पता नहीं, बुरा नहीं लगता होगा, महिलाएं मार रही थी। चलिए पटना की संगोष्ठी में, पटना तो मेरी कर्मभूमि ही रही है, जन्मभूमि भी रही है। सिवान का रहने वाला हूं तो बिहारी का हूं। इस संगोष्ठी में, इस कार्यशाला में आप आए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको हुई हो या नहीं हुई हो, मुझको तो हुई है। कई वर्षों के बाद, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, उसके बाद तो पटना मुश्किल से एक दो दिन के लिए आया और गया। फिर आप बुलाएंगे, अनुशासित रहेंगे तो मैं आऊंगा, अनुशासन तोड़ेंगे तो मैं तो 32 साल प्रशासन में रहा हूं, अनुशासन भंग मुझको पसंद नहीं है। अब ऐसे भी अव्यवस्था होती है। पटना के लोगों की तरफ से आश्वासन देते हैं अनुशासन का, क्या आपके बिहार में साहब को आज पता चल रहा होगा कि हम लोग अनुशासित हो गए? हाँ भाई, आज तो लगा। काहे कि एक बार मैं लवली क्या आया, लिख कर गया कि मैं समाचार फैल गया, चप्पी जप्पी में जासूस रहते, फैल गया। करीब 1500 आदमी इसके फाटक पर चले आए अपार्टमेंट के। अब अपार्टमेंट का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साहब बाहर, कोई ना घुस रहा है ना निकल रहा है। हम 1500 रुपया निकाल के दिया कि लड्डू ला के बांटो, सारा सब लड्डू खा लिया, खसक को नहीं किया। अब क्या करें बोलिए? हनुमान जी को लड्डू खिलाए तो काम हो जाता है, शिव शिष्य पैसा है कि लड्डू खा लेगा और घसक वो नहीं करेगा। चलिए, मैं शिव का शिष्य हरिदान अनधिकार आपको खुशियों का आशीर्वाद देता हूँ, आपके जीवन के दुख कम हो जाएं, ये अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ। आप सानंद रहें और शिव की ओर दो कदम चलें। आप जब भी एक कदम चलेंगे, मैं आपके साथ दो कदम चलूंगा, इसका वादा है। आपको प्रणाम। जय जय महादेव।